हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि स्टीयरिंग को कंट्रोल कैसे करें। जो कि कुछ चालक होते हैं वो स्टीयरिंग को नहीं समझ पाते हैं कि उनकी कार लेफ्ट जा रही है या राइट जा रही है। और कुछ दोस्तों का कमेंट भी आया कि सर आप जो है स्टीयरिंग के बारे में वीडियो बनाएं, स्टीयरिंग के बारे में समझाएं। तो जो आज का वीडियो है ये स्टीयरिंग से संबंधित सारी जानकारी हम आप लोगों को देंगे कि स्टीयरिंग वर्क कब करता है। तो चलिए देर ना करते हुए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आप लोग अपना प्यार और अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए कि ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। तो चलिए देर ना करते हुए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। कि फ्रेंड आप लोग देख रहे हैं ये है स्टीयरिंग व्हील। ठीक, तो स्टीयरिंग व्हील ये तब वर्क करता है जब हम कार को स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्योंकि जब तक कार हमारी बंद रहेगी ये स्टीयरिंग हार्ड रहेगा। ठीक है, बहुत टाइट रहता है स्टीयरिंग। तो पहली चीज़ हमने कार को अब स्टार्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये है इग्निशन स्विच। ठीक, इग्निशन स्विच को जब हम इसमें चाबी लगाते हैं, जैसे कि अभी तो इसमें चाबी लगा हुआ है, अब हम चाबी को निकाल देते हैं। ठीक है, चाबी निकल गई। अब जब हम इसमें चाबी लगाएंगे तो क्या होगा, पहली बार में स्टीयरिंग लॉक होता है। ठीक, और दूसरी बार में जो है इग्निशन ऑन होता है। ये जो है देखिए इग्निशन ऑन हो गई। जब इग्निशन ऑन होगा तो इसमें साइन आ जाएंगे। ठीक, तो कभी भी आप कार को जब स्टार्ट करते हैं तभी ये स्टीयरिंग व्हील वर्क करता है। अब हमें जो है कार को स्टार्ट करना है तब ये स्टीयरिंग सॉफ्ट होता है, क्योंकि जब तक हम कार को स्टार्ट नहीं करेंगे ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहेगा। अब हमें क्या करना है, कार को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले दबा दिए क्लच को और उसके बाद हम यहाँ से कार को स्टार्ट कर लिए। ठीक, अब हम कार को स्टार्ट कर लिए। अब ये जो स्टीयरिंग है, अब जैसे अगर हमें सीधा चलना है तो सिर्फ सीधा रखना है। ठीक, और स्टीयरिंग की जो कटिंग है, इधर काटेंगे लेफ्ट तो ये लेफ्ट जाएगी कार आपकी, और अगर इसे राइट काटेंगे तो ये राइट जाएगी। ठीक, अब ये जो पूरा स्टीयरिंग घुमाना होता है, मतलब पूरा एक तरफ लॉक करना होता है, ये जब हम यू टर्न करते हैं तभी हमें लॉक करना है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये अभी स्टीयरिंग सीधा है। अब हमें जैसे राइट यू टर्न करना है तो हम स्टीयरिंग को पूरा इसको दो राउंड घुमाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। देखिए एक हो गया, और फिर हम इसको एक राउंड घुमाएंगे, ये हो गया दो, दो में लॉक हो जाता है। अब फिर हमको जब इसको सीधा करना है तो इसको एक राउंड वापस लेके आए, फिर इसको एक राउंड ऊपर लेके आए, तो ये हो गया दो राउंड। दो राउंड में स्टीयरिंग सीधा हो जाता है। जैसे कि आप राइट घुमाए हैं तो स्टीयरिंग को लेफ्ट सीधा करेंगे, और अगर लेफ्ट हम घुमाए हैं जैसे ये दो राउंड में स्टीयरिंग इधर भी लॉक हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ये दो राउंड में अब इसको सीधा करना है तो एक राउंड ऊपर लेके आएंगे एक, फिर एक राउंड इसको ऊपर लेके आएंगे दो। तो ये जो स्टीयरिंग है ये दो राउंड में जो है सीधा हो जाता है। तो आप लोग कोई भी कार अगर चला रहे हैं तो इसको याद रखें कि अगर आप यू टर्न कर रहे हैं तभी स्टीयरिंग को पूरा लॉक किया जाता है। अब जो है हम बात करते हैं कि स्टीयरिंग आप लोग कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं। पहली चीज़, तो आप जब भी कार को चला रहे हैं तो आपको सीधा सामने देखना होता है। ठीक है, जब आप सीधा सामने देखेंगे तो जो है कार आपकी कंट्रोल में रहेगी, आपको समझ में आएगा। बहुत से चालक क्या करते हैं, वो स्टीयरिंग को हिलाते रहते हैं ऐसे, तो इसको घुमाना नहीं है, हिलाना नहीं है, केवल आपको सीधा सामने देखना है, रोड देखनी है, रोड के बीचों बीच आपको कार चलानी है। क्योंकि बहुत से चालक क्या करते हैं कि एक्सीलेटर को ज़्यादा अप डाउन करते हैं, तो एक रीज़न ये भी है कि एक्सीलेटर को आपको अप डाउन नहीं करना है। जब आप एक बराबर एक्सीलेटर को रखेंगे, हल्का स्पीड रखें, पहले आप स्टीयरिंग को मेंटेन कर लें। क्योंकि बहुत से चालक क्या करते हैं, वो स्पीड देते हैं और उनकी कार कहीं लेफ्ट और कहीं और राइट जाती है, तो ये गलती आप ना करें। आपको सबसे पहले क्या करना है, अब हम बताते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको। जैसे कि आप क्या किए, यहाँ से हम वन गियर लगा दिए और उसके बाद फर्स्ट गियर लगा दिए। अब हमें कार को जो है आगे बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, अब हमें कार को आगे बढ़ाना है तो वन गियर लगा दिए। अब उसके बाद हम यहाँ से कार को इधर लेके चल रहे हैं, देखिए अब हम इसको काट रहे हैं किधर, राइट साइड। तो आपको सीधा सामने देखना है। ठीक, ये नहीं कि आपको जो है स्टीयरिंग देखना है। जब आप स्टीयरिंग देखेंगे तो स्टीयरिंग लगेगा कि कहीं लेफ्ट भाग रही है कहीं राइट भाग रही है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं एकदम सीधा स्टीयरिंग है। अब बाकी हमें जो है सेकंड गियर लगाना है, तो हम यहाँ पे क्लच दबाए और गियर सेकंड लगा दिए। तो अगर आप एक नए चालक हैं तो आपको ये सब करना, देखिए यहाँ पे बिना एक्सीलेटर की कार आपकी चल रही है, तो अगर आपको स्टीयरिंग कंट्रोल करना है तो आपको पहले सेकेंड गियर में कार को चलाइए, वो भी बिना एक्सीलेटर के। देख रहे हैं स्टीयरिंग हम छोड़ के रखे हैं, एकदम कार सीधी चल रही है, नहीं ये लेफ्ट जाएगी नहीं राइट जाएगी। और नए चालक क्या करते हैं, वो स्टीयरिंग को देखते रहते हैं और उनकी स्टीयरिंग नहीं सही हो पाती है। तो आपको स्टीयरिंग नहीं देखना है, आपको सीधा सामने रोड दिख रहा है। अब आप रोड देख रहे हैं तो रोड से बाहर थोड़ी कार को लेके जाएंगे,
इलेक्ट्रिक, तो इसका यही जो है लोगों का प्रॉब्लम है कि वो लोग जब भी कार को चलाते हैं तो वो स्टीयरिंग देखते हैं। तो आपको स्टीयरिंग नहीं देखना है, बिल्कुल सीधा सामने देखना है, दोनों वाइट पट्टी के बीच में आपको कार को चलानी है। अगर आपकी स्टीयरिंग नहीं कंट्रोल हो पा रही है तो आपको क्या करना है, एक्सीलेटर को बिल्कुल छोड़ देना है। पहले आप बिना एक्सीलेटर की कार को चलाएं, वो भी सेकेंड गियर तक कार आपकी चलेगी, उसमें आपको एक्सीलेटर लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको को ये जो प्रॉब्लम हो रही है, स्टीयरिंग आप नहीं संभाल पा रहे हैं, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बस ये आपको ध्यान देना है कि केवल सामने देखना है, स्टीयरिंग पे बिल्कुल ध्यान ना रहे, क्योंकि स्टीयरिंग आप घुमाएंगे तो लगेगा कि हम घुमा रहे हैं। तो स्टीयरिंग जो पावर स्टीयरिंग होता है उसको हल्का सा भी मूवमेंट नहीं करना है, अगर हल्का सा भी आप घुमाएंगे तो आपकी कार लेफ्ट और राइट जाएगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि स्टीयरिंग हमें सिर्फ केवल सपोर्ट देना है कि हमारी कार सीधी चले, जो कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम स्टीयरिंग को पूरा छोड़ दिए हैं, पूरा एकदम बिल्कुल हाथ यहाँ पे नहीं रखे हैं, जो कि हमारी कार एकदम सीधा चल रही है। और आपको बिल्कुल सीधा सामने देखना है, स्टीयरिंग को नहीं देखना है, आपको केवल रोड देखना है कि हमें चलना कहाँ है, जो कि बहुत से चालक वो कार को जब चलाते हैं तो वो स्टीयरिंग को देखते हैं। तो आपको स्टीयरिंग नहीं देखना है, सीधा सामने देखना है, और ना ही गाड़ी का आगे का बोनट देखना है, केवल सीधा सामने। और अगर आपको बार बार प्रॉब्लम आ रही है स्टीयरिंग कंट्रोल करने में, तो आप एक ही काम करिए कि बिना एक्सीलेटर की कार को चलाइए। देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक्सीलेटर यूज है, ना यहाँ पे ब्रेक यूज है, केवल यहाँ पे केवल हम बिना एक्सीलेटर की कार को चला रहे हैं, और वो भी स्टीयरिंग एकदम सीधा है, जो कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम स्टीयरिंग भी नहीं टच किए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट कार चल रही है। ठीक, तो आप लोग यही करें, आपके स्टीयरिंग में जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएगा। जैसे जो है बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वो स्टीयरिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो जब आप स्पीड देंगे तो आपकी स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं होगी। तो आप सबसे पहले बिना एक्सीलेटर की कार को चलाएं, जब बिना एक्सीलेटर के आप कार को चलाएंगे तो आपकी जो ये स्टीयरिंग वाली प्रॉब्लम है ये बिल्कुल दूर हो जाएगी दोस्तों। बस ये है कि आपको स्टीयरिंग को बार बार घुमाना नहीं है, बस ज़रूरत के हिसाब से स्टीयरिंग घुमाना है। जैसे रोड सीधा है तो बिल्कुल सीधा रखें, न कहीं लेफ्ट न कहीं राइट। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमको स्टीयरिंग को कैसे कंट्रोल करना है। जैसे आप सामने देख रहे हैं तो सिर्फ सीधा सामने ही देखना है, और स्टीयरिंग को सिर्फ सीधा पकड़ के रखी रहिए एकदम, इसको बार बार घुमाना है नहीं, क्योंकि जब आप बाहर से देखेंगे कि लगेगा हम घुमा रहे हैं। ठीक है, आप लोग कोई किसी भी ड्राइवर को देखते होंगे तो लगता है कि वो स्टीयरिंग को घुमा रहा है, तो वो घुमाता नहीं है, सिर्फ वो आपको देखने में लगता है कि वो स्टीयरिंग घुमा रहा है। तो आप लोग ये ध्यान में रखें कि हमें कभी भी स्टीयरिंग को इसको ऐसे करके घुमाना नहीं है, हिलाना नहीं है, बस सीधा सामने देखना है। अगर आपकी बार बार ये प्रॉब्लम है कि स्टीयरिंग लेफ्ट राइट भाग रही है, तो आपको एक्सीलेटर को बिल्कुल यूज नहीं करना है। पहले आप बिना एक्सीलेटर के चलाएं सेकंड गियर तक, आपकी स्टीयरिंग सही हो जाएगी। जब स्टीयरिंग सही हो जाएगी तब आप एक्सीलेटर पर जाएं, तब आराम से कार को कंट्रोल करें, क्योंकि आप लोग केवल सीधा सामने देखें, स्टीयरिंग को बिल्कुल मत देखें, क्योंकि जब स्टीयरिंग देखेंगे तो आपका स्टीयरिंग नहीं सही होगा। कार चलाने के लिए आपको सीधा सामने देखना है। अब ये दोनों पट्टी वाइट पट्टी आप लोगों को दिख रही है, तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आप लेन से बाहर जाएंगे नहीं, तब इसमें आपको यही देखना है कि हमको लेन के अंदर चलना है, क्योंकि बहुत से चालक यही गलती करते हैं कि वो कभी लेफ्ट कभी राइट स्टीयरिंग को घुमाते हैं, तो लेफ्ट और राइट नहीं करना है। ठीक, तो फ्रेंड आप लोग समझ गए होंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।